नाम श्री गुप्ता शमशाद है, मैं 190 नवाया चक की रहायशी हाँ। मेरे मियाँ का नाम शमशाद पट्टी है तो मैं गाँव की रहायशी हाँ। यह मेरा बेटा है, मेरे बेटे गवाह करने की कोशिश की गई असले के जोर पर। पहले मेरे न बदतमीज़ की मुलजम ने कि ये शाम मुलजम जोड़ा ना नवीद कंबल ज्ञान ये शाम टाइम अपने बच्चों ट्यूशन छड़ कर छुट्टिया तो यह मेरा बेटा है तो उन्होंने ट्यूशन छड़ा तो इन्हें मैं कह रही इसका बेटा तू ना चारा लाया छोटे जे जानवर साढ़े को वास्ते मैं चारा लाया टाइम ना इन्हें ट्यूशन जाना से शाम टाइम तो मैं उन्होंने कहा मैं कि जो चारा लाया इस तो पहले कि मैं गुजर रही सा तो इन्हें कन्न फोन लाया बंद फोन से हाल एक पता चल जाता कॉल आई या नहीं आई। वैसे कन्न फोन ला के पहले भी टीचर करता हूँ स्कूल आंदा जाद्या बच्चों के नाल मैं छड़ के आना लैके आना तो उस दिन ही आंदा जी जनाब अपना नंबर तो दे दो इस तरह दिचकर करता सी। फिर कभी खड़ा हो के फोन करना ला के अगों इन्हें खुदकते रहना तो फिर मैं चुक के छित्र ये वाल गुस्से ना आके ये वाल छित्र सुटिया क्योंकि मैं इज्जतदार घराने की तीन बच्चों की माँ है। मेरा बंदा मेहनत मजदूरी कर रहा है तो मेहनत मजदूरी करता और बच्चों का पेट पा रहा मैं तो मेरे बच्चे इतने रह रहे हैं वो बाहर सैलकोट काम करता रंग का काम कर रहा इस रंजिश के आके ने कि मैं इन्हें छित्र क्यों मेरा सुटिया बदतमीजी जो इन्हें की मेरे ना इस रंजिश की वजह तो आके मेरा बेटा जब पट्ठे लैन गया है दूसरे दिन तो यह मेरे बेटे के पिछे गया है पिस्टल ये कोल सगा एक होर शख्स जिसे मास्क लाया हो क्योंकि आके मेरे बेटे ने बड़ी आके सहमे हुए ने दसिया रोंदे हुए ने घबराया हुआ मैं क्या बेटा की गल हुई कहना कि मामा मेरे पिछे ये लगा हुआ मैं जरूर वेखा दूसरे बंद मैं नहीं वेख्या तो फिर मैं चुप कराया मैं क्या चुप कर जा कोई गल नहीं फिर मैंने हौसला दिता है। उस दे बाद मैं अपने शोहर को दसिया कि इंजन होया इस बावजूद फिर आके ये नहीं हटिया तो उस तो फिर मेरे मियाँ आए ने 17 तरीक की रात आ गई फिर आके उन्होंने 18 तरीक में दरखास्त दी एस एच ओ साहब को गए मेरे मियाँ आए हैं तो उन्होंने दरखास्त दी एस एच ओ ने दरखास्त दी उन्होंने आके जिदा कोई अमल दरामद नहीं होया उस बाद तफ्तीश की गई है तफ्तीश की थी है साजिद साहब ने एस एच ओ साहब ने उन्हें दसिया कि तफ्तीश हुई है तो उस एस एच ओ साहब ने कहा कि उत्थे बंदा लैके आओ अपना इत्थे जो तफ्तीश कर गए लेकिन मुलजम जिहड़े पार्टी उन्होंने अपना बंदा पेश नहीं किया। उस दे बाद कहिंदे असीं कि तुहानूं अज देने आ एफ आई आर कट के कल देने आ अज देने आ मियाँ मेरे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं तो यह मेरे बेटा वड्डा है ये तो छोटे दो बेटे ने पंजवीं क्लास का स्टूडेंट है मेरे मियाँ चक्कर कट कट थाणिया के फिर चौकी ते थाणिया ते फिर आयो इधर फिर जाए उधर थाने वो जा के तो तंग आके आखिर उन्होंने फिर DSP साहब ने यह दिता उन्होंने दिता सानू कि तुसी ठीक उन्होंने दस्या उन्होंने साढ़े मामलात नू सुनिया मुलजमान पार्टी नू सद्या बुलाया उत्थे सानू भी बुलाया इस वजह तो फिर उन्होंने उन्होंने सुनी तो फिर वेख्या कि मुलजमान जिहड़े ने वो वाकई गलत उन्होंने किया क्यों साहब ने भी इस इनकुआरी वेख्या तो जांचया लेकिन उन्होंने भी DPO साहब ने DSP साहब ने भी उन्होंने भी आर्डर दिता परचे का FIR कटन का उन्हें कि तुम हड़प्पा थाने जाओ SHO साहब को गए हैं तो शाम उन्होंने मुलजमान पार्टी को बुलाया वो मुलजमान उन्होंने पकड़िया हवाला च बंद किया हवाला च बंद करने तो बाद अस क्या FIR सामने दे दो जी सर उन्हें कहा कि बैठो इंतजार करो वेट करते रहे असी रात आए असी 8-9 बजे के करीब लेकिन ब्याह ब्याह के उन्हें क्या सुबह आ जाओ आके FIR की नकल लै लो सुबह असं गए हैं तो सुबह तो कोई FIR नहीं कोई नकल नहीं है कोई साड़ी सुनता ही नहीं पी उस दे बाद रात ही इन्हें बंदा छड़ दिता सी असी वेख भी लिया उन्होंने रात इतने आया साढ़े मोड़ा तो आया सुबह भी आया मेरा बेटा तो मैं असं जा रहे ट्यूशन का पता करने क्योंकि इन्ने दिन हो गए मुलजमान ने जो हरकत की वो बाइस मेरा बच्चा डर गया बुखार भी होंदा रहा उन्होंने फिर उस दे बाद यदि तमाददारी से लगे रहे तो हूँ मैं उदन कि मैं चल बेटा तू ट्यूशन तो हूँ स्कूल तो छुट्टियां हो गई हूँ ट्यूशन से चल जाना शुरू कर दे मैं तो मेरा बेटा जा रहे तो इतने घूरियाँ पापा सानू मिलता सी की कर लिया मेरा तुसी तो सानू धमकियां लाता लिहाजा मेरी DPO साहब अगे DSP साहब अगे दरखास्त अपील है कि सानू गरीब लोगों इंसाफ दिता जाए और RPO साहब अगे भी दरखास्त करनी है अहला हकाम अगे भी दरखास्त करनी है कि असी मजदूर बंदे हाँ एक मजदूर का बेटा है वह पढ़ रहा है छोटे बच्चे पढ़ते हैं क्या मजदूर के बेटे लिए या गरीब लिए कोई इंसाफ नहीं है।